रोल। ओके सो आप तीनों से जानना चाहोगे कॉमेडी शो में आए हो तो आप तीनों कितने कॉमेडी हो? हम कितने कॉमेडी हैं? कितने कॉमिक कौन है? हाँ सबसे कॉमिक यार हम तीनों ही बहुत कॉमेडी हैं। आई थिंक हम में से ये है सबसे ज्यादा जोक ही मारता है। सबसे तो पीजे से काम करे ना करे जोक मारना बहुत जरूरी है। लाइक पीजे सबसे ज्यादा तो अच्छे पीजे आते हैं या थोड़े पीजे का मतलब ही पूरा जोक होता है। पुआ जो लेकिन मेरे परफेक्ट जोक होते हैं पीजे वो भी हां तो जो कान से खून निकालते हैं आपके वो हां सी ऐसी कॉमेडी है यहां पर। सो हाउ मच यू एंजॉय इनसाइड कितना मजा आया अंदर? बहुत मजा आया एंड आई थिंक आई ऑलवेज लाइक कमिंग टू कॉमेडी शोज एंड कॉमेडी दंगल इज प्रीटी गुड। इट्स गॉट सो मेनी टैलेंटेड पीपल और हम लोगों का हंस हंस के पेट में चीक्स में दर्द हो गया है। यार ये म्यूजिक और कॉमेडी का अनमोल मिश्रण ही कमाल है यार। अनु मलिक साहब जो म्यूजिशियन म्यूजिकल हैं और साथ में भारती सच अ वोल्केनो ऑफ टैलेंट, तो दोनों का कॉम्बिनेशन एज जजेस बहुत कमाल है और टैलेंट बहुत सारे जो हमारे आर्टिस्ट हैं ऑल ब्रिलियंट। जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सुपर टैलेंटेड और बहुत सारे शोज हमने एक्ट्स देखे और बहुत कुछ सीखने को भी मिला क्योंकि कॉमेडी बहुत टफ होती है बट आई थिंक दीज गाइज़ आर रियली रियली फनी। Happy Independence Day. Happy Independence Day, guys. छुट्टियां हैं और तीन दिन बाद बरेली की बर्फी रिलीज हो रही है। इंडिपेंडेंस डे की खुशी में खाइए बरेली की बर्फी। बहुत जल्द रिलीज डेट भी पास में है तो किस तरह का प्रेशर एक्साइटमेंट किस तरह का है आप तीनों में? आई थिंक एक्साइटमेंट ज्यादा होती है। प्रेशर जैसे जैसे दिन पास आता है वो एग्जाम का दिन जब पास आ रहा होता है तो जो प्रेशर होता है वो होता है बट आई गेस प्रमोशंस में कभी कभी थोड़ा बहुत पता नहीं चलता है, हम लोग मस्ती मजाक में ही सब निकल जाता है और एकदम से रिलीज डेट आ जाती है। इतने एक्साइटेड है रातों को नींद नहीं आती। नहीं आ रही थोड़ी बहुत। आयुष्मान ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशन फॉर द मूवी बरेली की बर्फी एंड टुडे योर ट्रेलर इज लॉन्च। यार आते ही काफी चर्चे में भी आ गया है। हां जी अभी तो आपने ट्रेलर देखा आयुष्मान? मैं अभी तो नहीं देख पाई बिकॉज़ मैं यहीं पर थी और मैंने आते ही इसको बोला था कि मुझे वी हैव बीन आस्क्ड टू स्टॉप दिस थैंक्स मीटिंग यू गाइस। बहुत अच्छा बरेली का बर्फी का सपोर्ट किया सबको सेट पे। इस बात पे नाराजगी है कि खाली हाथ आए तुम लोग, जरा साहब भी तुम्हें एहसास नहीं हुआ बर्फी लेके आना चाहिए था क्योंकि हमारा पहला इंस्पेक्टर साहब सॉरी इंस्पेक्टर आई नो आई हैव बीन सेइंग कहां दया गड़बड़ एक मिनट। अरे पापा मे बी मेरे को उधर ही भूल के आ जाते तुम लोग सॉरी वो थोड़ा पूछा लगा रहे थे तो हमने ऐसे बरेली का बर्फी बरेली का बर्फी बोल के मेरे को बर्फी दिए नहीं। बर्फियाँ खत्म हो गई टिकट सोल्ड आउट हो गई यार क्या कर रहे हैं? आई थिंक ये सब सुपर टैलेंटेड मुंह में बहुत सारी बर्फी नहीं ये सब सुपर टैलेंटेड लोग हैं जिनको आप देखने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा फेक बनते हैं एक दूसरे। आपका आपका फिल्म आपकी फिल्म बहुत चले तुम भी फेक क्यों बन रहे हैं? ये रियल बोलो ना यार ऐसे मत बोलो यार। हमने दिल से बोला है हमने वाह शो कितना अच्छा है पक्का हां नहीं हम मिस कर गए थे इसलिए हम वापस सुनने आए हैं। दिल से बोल के दिखाओ एक बार। नहीं राजेश रूबिन तुम्हारी बरेली की बर्फी सुपर टुपर हिट थैंक यू सो मच थैंक्स गाइस। तो रिसेंटली जो ट्विटर पे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी हमेशा ट्विटर पर रिसेंटली जो आपके डांसिंग को लेकर भाई रवि गोस्वामी ने ट्रोल किया था कौन भैरवी गोस्वामी ने जो अगेंस्ट यू हु इज भैरवी गोस्वामी Thank you.